हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आशा करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चलो। जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है संस्कृत सुभाषितानी, ठीक है। तो आज हम लोग संस्कृत सुभाषितानी पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट सुभाषितानी है। तो सुभाषित का मतलब होता क्या है भी जान लीजिए। सुभाषित का मतलब होता है सु प्लस भाषित शब्द बना हुआ है, मतलब सुंदर ढंग से कही गई बात को हम लोग क्या बोलते हैं, सुभाषित बोलते हैं, मतलब सुभाषितानी भी कह सकते हैं, ठीक है। ऐसे शब्द समूह वाक्य या अनुच्छेद को कहते हैं जिसमें कोई बात सुंदर ढंग से या बुद्धिमता पूर्ण तरीके से कही गई हो, ठीक है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सुवचन बोलते हैं, सुक्ति बोलते हैं, अनमोल वचन बोलते हैं, मतलब और भी आदि शब्दों से हम लोग इसको प्रयुक्त करते हैं, मतलब उसका यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सुभाषितानी होता है। तो जो आज का सुभाषितानी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काक काक वाला है, ठीक है। आप लोग देखे होंगे, आपके क्लास सिक्स के बुक में भी है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं, बहुत ही अच्छा, इसको पढ़ते हैं अच्छे से, ठीक है। दिया हुआ है काक कृष्ण पिक कृष्ण का भेद पिक काकयो, ठीक है। काक कृष्ण पिक कृष्ण को भेद पिक काकयो, ठीक है। मतलब कि क्या भेद है, काक कृष्ण मतलब कौवा भी काला है और कोयल भी काली है, तो क्या भेद है, आगे मैं इसका समझाऊंगा पूरा अर्थ, ठीक है। वसंत समय प्राप्ते काक काक पिक पिक, वसंत का जब समय आता है तो कौवा कौवा हो जाता है, पिक मतलब कोयल कोयल हो जाती है, ठीक है। आगे इसको और डिटेल में समझाता हूँ, देखिए क्या दिया हुआ है, अर्थ बहुत अच्छा दिया इसका, ठीक है। काक कृष्ण पिक कृष्ण मतलब कौवा भी काला है और कोयल भी काली है, ठीक है। कौवा और कोयल दोनों काले होते हैं, ठीक है। को भेद पिक काकयो मतलब, तो फिर कौवे और कोयल में क्या अंतर है, आपको देखिए कौवा भी काला है कोयल भी काली है, तो कोए और कोयल कौवे और कोयल में क्या अंतर है, तो वसंत समय प्राप्त है, लेकिन जब वसंत ऋतु आती है, ठीक है, जब वसंत ऋतु आती है काक काक पिक पिक, इसका मतलब तब कौवा कौवा ही रहता है और कोयल कोयल बन जाती है, अर्थात दोनों का अंतर स्पष्ट हो जाता है। अंतर कैसे स्पष्ट होता है, इसका भाव मैं समझा देता हूँ। देखिए कौवा की जो आवाज़ होती है ना, बहुत ही कर्कश होती है, कर्कश का मतलब होता है बहुत ही कड़ी होती है, काँव काँव मतलब कान में लगता है। उसी तरीके से अगर आप कोयल की आवाज़ सुने होंगे तो कोयल की आवाज़ बहुत ही मधुर होती है, ठीक है। तो जब वसंत का समय आता है तो दोनों कौवा और कोयल जब दोनों बोलते हैं तो हमको भेद समझ में आ जाता है कि कौन कौवा बोल मतलब कौवा बोल रहा है कि कोयल बोल रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, भाव समझते हैं। यह श्लोक रूप रंग से परे व्यक्ति के आंतरिक विशेषताओं की महत्ता को उजागर करता है, ठीक है। मतलब कि आपका रूप रंग कैसा है उससे कोई महत्व तो नहीं है, आपकी आंतरिक विशेषता कितनी है, मतलब आपके अंदर कितनी विशेषताएं हैं, उसको इस श्लोक के द्वारा हम लोग समझते हैं, ठीक है। बाहरी रूप से कौवा और कोयल दोनों काले हैं, बाहरी रूप से देखा जाए तो कोयल और कौवा दोनों काले हैं, लेकिन उनके स्वभाव और गुणों में बड़ा अंतर होता है, मतलब उनका स्वभाव और उनका जो गुण होता है बड़ा अंतर होता है, जो वसंत ऋतु में स्पष्ट हो जाता है, ठीक है। वसंत रूप में क्या हो जाता है, जो वसंत का ऋतु आता है तो उसमें स्पष्ट हो जाता है। वसंत में कोयल की मधुर आवाज़ उसकी पहचान बनती है, जबकि कौवा की आवाज़ कर्कश ही बनी रहती है, ठीक है। उसके बाद जो कैसी रहती है, कर्कशी रहती है। इसी प्रकार लोगों की सच्ची पहचान उनके गुण व्यवहार और कार्य से होती है, ना कि उनके बाहरी रूप से, ठीक है। इसी प्रकार से जो लोगों की पहचान किससे होती है, उनके गुण व्यवहार और कार्यों से होती है, ना कि उनके बाहरी रूप से। और मुझे जहाँ तक लगता है कि आज के परिवेश में भी लोगों को उनके गुण और व्यवहार और कार्यों से उनको तवज्जो देना चाहिए, ना कि उनके बाहरी रूप से कि व्यक्ति कैसा दिखता है कैसा नहीं दिखता है, ठीक है। लेकिन आजकल ये सब चीज़ें ज़्यादा थोड़ा होती जा रही हैं, तो इस पर हम लोग मतलब इस पर रोक सकते हैं, अपने बारे में इसको विचार कर सकते हैं। जिनके गुण अच्छे हैं, जिनके व्यवहार अच्छे हैं, जिनके कार्य अच्छे हैं, उनको तवज्जो देना, उनको मतलब उनका सम्मान करना, उनकी चीज़ों को मतलब उनकी पहचान करना, ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होता है, ठीक है। इन्हीं सब बातों के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि श्लोक आपको बहुत ही अच्छे समझ में आ गया होगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक तो जरूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ कुछ प्यारा सा कमेंट भी जरूर करिएगा और अपने एक दोस्त को शेयर भी कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब तब तक आप लोग कर ही लिए होंगे। और इसी तरीके की और भी अच्छी अच्छी वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।